हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं पायल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भालेड फैमिली। और मेरी ओर से आप सभी को नमस्ते। नवरात्रों की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। आज है दुर्गाष्टमी और आज करेंगे हम कन्या पूजन। सो देखिए आप वीडियो में हम कैसे करते हैं कन्या पूजन। और साथ ही साथ सभी को मुबारक देना चाहूंगी मैं रमदान की। रमदान का महीना चल रहा है, बरकतों का महीना है, तो सभी को रमदान भी बहुत बहुत मुबारक हो। और अब मैं बना रही हूँ दुर्गाष्टमी के मौके पर गरम गरम पूरियाँ। पूरियाँ का जो आटा है मैं पहले ही 2 घंटे पहले ही बना के रख देती हूँ। और आटे में मैं मेनली यूज़ करती हूँ अजवाइन, कस्तूरी मेथी और थोड़ा सा ऑयल। और अब मैं आटा बनाती हूँ दूध में। दूध में आटा बनाने से पूरियाँ जो हैं बड़ी क्रिस्पी बनती हैं और बड़ी टेस्टी लगती हैं। और ये पूरियाँ तैयार हैं यहाँ पर बन के। और फ्रेंड्स आ जाओ, पूरियाँ खा लो। और फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी बहन पूजा बना रही है इमली की बहुत ही यम्मी यम्मी सी चटनी। और बहुत ही क्विक और फास्ट रेसिपी है ये। इसको बनाने के लिए वो यूज़ करती है देसी घी। देसी घी में वो डालती है जीरा। और जीरे का छौंक लगाने के बाद उसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें उसमें इमली का पल्प ऐड करना है। इमली को थोड़ी देर पानी में भिगो के रखना है और उसकी जो गुठली होती है उसको सेपरेट कर देना है। और बाकी का जो मैटर है उसमें ब्लेंडर से उसको ब्लेंड कर देना है और उस पल्प को इसमें डाल देना है देसी घी और जीरे वाले छौंक में। और उसके बाद इसमें आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पर पूजा यूज़ कर रही है शक्कर को, उसने इसमें शक्कर ऐड की है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और शक्कर और इमली का पल्प और जीरे का छौंक, बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है। आप ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को। आप इसमें और कुछ मसाले भी डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश, जैसे गर्म मसाला हो गया और काली मिर्च हो गई, उनको भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी सी चटनी बनकर तैयार हो जाती है। इसको थोड़ा सा बॉईल करना है, इसको अच्छी तरह से उबाल आ जाने के बाद फिर इसको ठंडा करना है। और ठंडा करने के बाद ये बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पर बना रही है वो व्रत में जो खाए जाते हैं वो वाले पकोड़े। ऐसे हम इंडियंस होते ही बहुत चटोरे हैं, हम कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ ही लेते हैं अपने टेस्ट के लिए। अब जैसे हम व्रत में पकोड़े खा लेते हैं, चटनी बना ली, तो बहुत ही अच्छा सा हमारा स्नैकी स्नैकी खाना तैयार हो जाता है। यहाँ पर बन रहे हैं पकोड़े है। और ये फाइनल पकोड़ों का। अगर वीडियो लाइक करना नहीं भूलना। आज फ्रेंड्स पकोड़े खा लो की चटनी। और इस टाइम जो कैमरा है वो गुरनूर के हाथ में है, वो पोजीशन चेंज कर देती है कभी किसी एंगल से कभी किसी एंगल से। और अब गुरनूर जा रही है पकोड़े लेकर अपनी दादी के पास। दादी को टेस्ट कराएंगे सबसे पहले। और यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं पूजन अष्टमी वाले दिन कैसे हम माता का पूजन करते हैं। ये देखिए, आज के दिन तो हमारी जो बेटियाँ होती हैं उनको पूजा जाता है, उनका पूजन किया जाता है। और यहाँ पे जो गुरनूर की दादी हैं गुरनूर का पूजन कर रहे हैं।
और साथ में बैठा है गुरनूर का भाई दिग्विजय सिंह संधू, जो गुरनूर के पांव धो रहा है पानी के साथ। और कितना अच्छा लगता है आज के दिन दुर्गाष्टमी पे कन्या का पूजन करते हुए। और अब सबसे पहले कन्या को खाना खिलाया जाता है। अब दिग्विजय खाना दे रहा है अपनी बहन को। ये देखिए छोटा है अभी ये, और ये जो है प्लेट्स तैयार की हैं कन्याओं के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग। अभी हुआ है हमारे सुबह का टाइम और ये टाइम है अश्विन के स्कूल जाने का, तो मैं जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, अब हम निकल चुके हैं अश्विन के स्कूल के लिए और ये है सुबह का टाइम। और सुबह के टाइम बहुत ही अच्छा व्यू होता है बाहर का, बड़ी ही फ्रेश एयर फील होती है बाहर आके। और यहाँ का सबसे प्लस पॉइंट ये है यहाँ के स्कूल्स का, यहाँ पर बच्चों की यूनिफॉर्म नहीं होती, बच्चे जो मन करे पहन के जा सकते हैं अपने स्कूल में। और जो बच्चों का हैवी बैग होता है, जो बुक्स होती है जिसमें, वो स्कूल में ही रख लेते हैं। और बच्चों को साथ में अपना छोटा सा बच्चे कुछ भी कैरी बैग ले जा सकते हैं अपने वाटर बॉटल डालने के लिए। तो ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे कि बच्चों के पास, जैसे बच्चों को यूनिफॉर्म का बर्डन नहीं है, हैवी बैग्स का बर्डन नहीं है, बुक्स उनके स्कूल में ही रखी जाती है यहाँ पर। और अब अश्मित को स्कूल छोड़ने के बाद मेरी हो चुकी है घर के लिए वापसी और मैं अब जा रही हूँ घर वापस। तो बड़ा अच्छा लगता है सुबह के टाइम बाहर निकलना, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक तो बहुत कम है, ऐसी सड़कें बिल्कुल खाली पड़ी रहती हैं। मैं आ चुकी हूँ अश्मित को स्कूल छोड़कर, और अश्मित को स्कूल छोड़ने के बाद अब आई हूँ घर पे। ये मेरे लिए काफी रिलैक्सिंग मोमेंट है, क्योंकि जैसमिन सोई हुई है तो इस टाइम को मैं काफी एंजॉय करती हूँ। और टाइम को एंजॉय करने के लिए साथ ही लूंगी मैं कॉफी इसलिए बनाऊंगी क्योंकि जैसे ही अश्मित को स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो रास्ते में आते हैं बहुत कैफेटेरिया और बहुत ही उनमें से प्यारी सी खुशबू आती है कॉफी की। जैसे ही उनके पास से निकलते हैं कॉफ़ी की बहुत प्यारी प्यारी फ्रेग्रेंस आती है, तो अश्मित उसे टाइम बोलती है। अश्मित को भी काफ़ी अच्छी लगती है कॉफ़ी की खुशबू। तो अब बनाऊंगी अपने लिए कॉफ़ी और उसके बाद स्टार्ट करती हूँ घर की क्लीनिंग यहाँ पर खुद ही करनी पड़ती। अब डिफरेंस बताती हूँ कि इंडिया में जब हम दही बनाते हैं तो हमें जस्ट 1 स्पून हम योगर्ट का डालते हैं दूध के अंदर, लेकिन यहाँ पर दही बनाने के लिए हमें कम से कम 8 चम्मच दही के डालने पड़ते हैं गरम दूध के अंदर, तब जाके कहीं यहाँ पर दही अच्छी वाली दही बनती है। क्योंकि यहाँ पर वेदर डिफरेंस है, यहाँ पे ठंड ज़्यादा है, इसलिए पता नहीं दूध का डिफरेंस होगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे लहसुन छील रही थी, लेकिन जैसे ही आई और इसने मुझे उठा दिया और खुद लग गई काम पे, जैसे यही लहसुन का पेस्ट बनाएगी। ये देखो इसकी शरारतें बड़ी अच्छी लगती है बच्चों की एक्टिविटीज। और अब भी आ गई है मेरे पास बैकग्राउंड म्यूजिक देने के लिए। अब लॉकडाउन के बाद कुछ अच्छे अब बेहतर हो गया, रेस्टोरेंट वगैरह ओपन हो गए हैं, बट सीटिंग आउटसाइड इनसाइड नहीं है, तो इस कारण से लोग आउटिंग करना शुरू गए हैं। और शॉपिंग मॉल्स भी एक लिमिटेड एक्सेस के साथ खुल चुके हैं, तो लोग अब आउट होना शुरू हो गए हैं। पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे, बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई है। दूसरा, कोविड के उतने केसेज नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी वार्निंग है रेजिडेंट की तरफ से, अगर 200+ इंटेंसिव केयर में आएंगे तो मैं दोबारा लॉकडाउन कर दूंगा, बट स्टिल सेम पोजीशन है, अभी कोई 100+ चल रहे हैं, तो देखते हैं क्या है। पर लोग अब ज्यादा केयरफुल हैं, ज्यादा प्रिकॉशंस बरत रहे हैं। इसलिए अगर फ्रेंड्स कॉफी पी लो, मेरे हस्बैंड को मिल्क वाली कॉफी नहीं अच्छी लगती, ब्लैक कॉफी पीते हैं, इतनी कड़वी कैसे पी लेते हैं इतनी कड़वी कॉफी। मुझे अच्छी कड़वी लगती है क्योंकि
मिल्क वाली यक। हाँ। मुझे अच्छी लगती है। और विजय स्मित कह रही कि मुझे भी कॉफी पीनी है। ये देखो जैस, ये देखो, ये देखो, इसको है कि जब भी कोई कॉफी पीता है, कभी जब भी हम कप लेते हैं ना हाथ में, इसको वो कप लेना है बस, इसीलिए मैंने इसके लिए ये मंगवा रखा है स्टील का कप। ना टूटे ना फूटे। जैस, सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का व्लॉग। जैस हो चुकी है आउट ऑफ कंट्रोल, तो हमें यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा, इसलिए ओके गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।